हेलो दोस्तों, मैं हूँ आमिर खान। स्वागत है मेरे चैनल सोना 3D होम डिज़ाइन में। दोस्तों, मैंने ये डिज़ाइन किया है जो कि चौड़ाई है इसका 20 फीट और इसका जो लंबाई है जो है प्लॉट का वह है 52 फीट। ओके, और उसके बाद इसमें है कार पार्किंग और नीचे में रूम है ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड एंड। ओके, तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और चलिए मैं पहले आपको इसका 3D एलिवेशन दिखाता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको इसका नक्शा दिखाऊँगा। ओके, तो चलिए मैं आपको इसका पहले 3D एलिवेशन देख सकते हैं। यहाँ पे ऑफ एंड टेरेस हमने दिया है। ओके, आप देख सकते हैं ऑफ एंड टेरेस डिज़ाइन है। उसके बाद एक बालकोनी है हमारा यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे और नीचे पार्किंग है हमारा। ओके, आगे में पार्किंग, यहाँ से स्टेयर हमने दिया है, हुआ है, आप देख सकते हैं स्टेयर। तो चलिए मैं आपको इसका पहले 3D दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं हमारा 3D एलिवेशन है, सॉरी, ये 3D एलिवेशन हमारा। ओके, और यहाँ देख सकते हैं सामने से हमारा पहले गेट है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा बाउंड्री का डिज़ाइन, और यहाँ पे हमारा एक कार्ड लगा हुआ है। और उसके बाद यहाँ से जो है हम सीढ़ी का स्टेप है, हम ऊपर आने के लिए यहाँ तक आएंगे और यहाँ से डायरेक्ट हम कंटिन्यू हमारा ऊपर चले जाएंगे। ओके, फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे कंटिन्यू चले जाएंगे और यहाँ से हमारा मेन एंट्री रहेगा गेट खोल के अंदर जाने का। ओके, और उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, तो फर्स्ट फ्लोर पर हमें मिलेगा एक बालकोनी का डिज़ाइन। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रूम है हमारा इस रूम से, और यहाँ से हमारा बालकोनी का डिज़ाइन आ जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ से बहुत अच्छा डिज़ाइन बना है फिटिंग में, और यहाँ विंडो का डिज़ाइन देख सकते हैं आप। और इसके बाद यहाँ से साइड से जो हमने दिया है ये है पाइप वगैरह का डिज़ाइन, जो कि स्टेयर है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई घुस नहीं सकता है कुछ। और ये हवा आने के लिए यहाँ पे जो हमने पाइप दिया हुआ है हवा हवा आने के लिए, और इधर भी पाइप दिया हमने हवा हवा आने के लिए अंदर से। यहाँ देख सकते हैं क्योंकि हम दोनों हमने इधर भी कुछ नहीं छोड़ा है खिड़की वगैरह के लिए, इधर भी कुछ नहीं छोड़ा है, देख सकते हैं प्लेन है इधर वाल और इधर भी प्लेन है। और ऊपर में देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ओपन टेरेस डिज़ाइन है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर का डिज़ाइन, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बम मामले का डिज़ाइन है ये हमारा। ओके, और यहाँ देख सकते हैं ऊपर में चारों तरफ से हमने रेलिंग स्टील रेलिंग का डिज़ाइन कर दिया है, और ये हमारा ओपन टेरेस से कटा हुआ रहेगा। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते ओपन टेरेस हमारा कटा हुआ रहेगा, और यहाँ देख सकते हैं हमारा कि डिज़ाइन है ओपन टेरेस खाली है, और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में रूम है। तो चलिए मैं आपको इसका नक्शा दिखाता हूँ, और यहाँ पे कार पार्किंग भी है, और उसके बाद मैं आपको इसका नक्शा दिखाता हूँ। चलिए, ओके, ये देख सकते हैं आप इसका ग्राउंड फ्लोर का नक्शा, जो कि नॉर्थ हमारा यहाँ शो कर रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पे नॉर्थ, और यहाँ 20 फीट चौड़ाई है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कार पार्किंग हमारा है, और यहाँ से हम डायरेक्ट अप करेंगे, ऊपर आएंगे तो हम इधर भी चले जाएंगे बरंडा की तरफ, और यहाँ से डायरेक्ट हम फर्स्ट फ्लोर में आ जाएंगे। और यहाँ से डायरेक्ट हम जैसे बरंडा में आएंगे तो यहाँ पे देखते सीट्स लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से डायरेक्ट हम अंदर आ जाएंगे, एक बेडरूम होगा हमारा। ओके, जो कि 12 फीट बाई 11 फीट 4 इंच है। ओके, और यहाँ से देख सकते हैं लिविंग हॉल है हमारा, उसके बाद एक डाइनिंग हॉल है हमारा, उसके बाद 3 फीट का जो है हमारा एक पूजा रूम भी है यहाँ पे, 3 फीट बाई 5 फीट का। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो पीछे है हमारा, एक है 9 फीट 9 इंच का रूम चौड़ाई और 10 फीट हाइट है इसका, और एक किचन देख सकते हैं 8 फीट 11 इंच बाई 7 फीट। उसके बाद पीछे हमने जो छोड़ा है यहाँ पे, जो कि हमने ऊपर में यहाँ पे यूज़ किया है पूरा। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ग्राउंड फ्लोर का नक्शा है, पहले हम स्टेयर से डायरेक्ट ऊपर आएंगे, एक बरंडा रहेगा, यहाँ से गेट खोले बरंडा आ गया, बरंडा से हमारा एक रूम हो जाएगा। ओके, और एक कॉमन टॉयलेट हो जाएगा, एक शाफ्ट भी दिया हुआ है यहाँ पर, कंटिन्यू जाएगा ये हमारा शाफ्ट, जो कि किचन का जो चौड़ाई होगा 4.5 फीट बाई 7 फीट का टॉयलेट, सॉरी टॉयलेट का। उसके बाद हम ये हमारा डाइनिंग हॉल हो गया, और उसके बाद पूजा, उसके बाद बेडरूम और एक किचन। और फर्स्ट फ्लोर में चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर में जो है हमारा एक गेस्ट रूम हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हमारा ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे हमारा जो है एक गेस्ट रूम हो गया यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से एक बालकोनी का डिज़ाइन हो गया, एक टॉयलेट अटैच रहेगा छोटा सा टॉयलेट 4 फीट बाई 4 फीट 4 इंच का। और यहाँ से जैसे हम ऊपर आएंगे तो एक गेस्ट रूम हो गया हमारा अटैच बाथरूम, उसके बाद हम यहाँ से डायरेक्ट आएंगे तो एक मास्टर बेडरूम हमें मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं बाथरूम अटैच है टॉयलेट कम बाथरूम। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिविंग एंड लिविंग हॉल में एक LED भी लगा दिया है यहाँ पे, क्योंकि तो हमने यहाँ पे वॉल का थोड़ा डिज़ाइन किया है, यहाँ कैबिनेट बन जाएगा हमारा छोटा सा, यहाँ पर वॉल का डिज़ाइन हो गया हमारा। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं टॉयलेट कम बाथरूम, यहाँ पर साफ्ट दिया हुआ है कंटिन्यू, हमारा जो प्लम्बिंग का पाइप जाएगा बाथरूम का वो सारा AC के अंदर से ज़मीन में चले जाएगा, है ना। और यहाँ पे इसे देख सकते हैं डाइनिंग हॉल, उसके बाद एक हो गया हमारा सिंक हाथ वाथ धोने के लिए, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बेडरूम 9 फीट 9 इंच बाई 11 फीट, और एक किचन कंटिन्यू हमारा ऊपर में भी है। और यही हम फर्स्ट फ्लोर जो है हम
सेकंड फर्स्ट फ्लोर जो हम सेकंड फ्लोर पे भी कॉपी कर देंगे, जो कि यहाँ पे ऊपर में हमारा सिर्फ एक ही चेंजिंग होगा जो कि एसी रूम हट जाएगा, ये हमारा ओपन टेरिस हो जाएगा वहाँ पे। ओके, ये जो रूम है ये हट जाएगा और वहाँ पे जा कर के हमारा ये ओपन टेरिस हो जाएगा, और बाकी बात जो भी है मतलब कि ये सब सेम रहेगा। यहाँ से डायरेक्ट ऊपर सीढ़ी, उसके बाद एक मास्टर बेडरूम, उसके बाद आपको एक टॉयलेट कम बाथरूम और एक लिविंग हॉल एंड रूम एंड किचन। मैं फिर से आपको ग्राउंड फ्लोर का दिखाता हूँ। ग्राउंड फ्लोर का देख सकते हैं 20 फीट चौड़ाई, 13 फीट यहाँ पे हमारा एक कार पार्किंग हो गया। यहाँ से डायरेक्ट हम ऊपर है, यहाँ से डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम हुआ बरंडा, एक मास्टर बेडरूम हो गया हमारा। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं एक हो गया हमारा टॉयलेट कम बाथरूम, उसके बाद हो गया पूजा एंड डाइनिंग हॉल किचन बेडरूम। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे गेस्ट रूम टॉयलेट बालकोनी। उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट हम ऊपर सेकेंड फ्लोर पे चले जाएंगे और एक है मास्टर बेडरूम अटैच बाथरूम है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद लिविंग एंड लिविंग हॉल, उसके बाद डाइनिंग हॉल और बेडरूम और किचन। ये हमारा 20 फीट चौड़ाई हो गया और हो गया 52 फीट लंबा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं इसका भी पार्किंग बरंडा, और यहाँ पे इसका फिर से मैं आपको 3D डिजाइन दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं इसका 3D एलिवेशन। देखिए सिर्फ हमारा जो ग्राउंड फ्लोर का होगा फर्स्ट फ्लोर में सिर्फ रूम हट करके यहाँ पे ओपन टेरेस का डिजाइन हो जाएगा। और फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, यहाँ पे कार पार्किंग हो गया हमारा। और उसके बाद फिर क्या करता है, यहाँ से डायरेक्ट हम ऊपर चले जाएंगे। और उसके बाद फिर यहाँ से मेन गेट हो गया हमारा जो कि 10 फीट का होगा गेट खोलने का। और उसके बाद फिर ये सारा जो है हमारा 3D डिजाइन हो गया हमारा। ओके, तो दोस्तों अगर ये डिज़ाइन आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं ऐसे ही आपके लिए नक्शा लाता ही रहूँगा और डिज़ाइन भी। थैंक यू।